हेलो 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 मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि मेरे को पीछे देख के अच्छा लग रहा हो यार। बार बार मुझे देखना अच्छा लग रहा है तुम्हें? मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम यार बार बार क्या मैम आ जाती है बार बार, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? मतलब अच्छा लगना चाहिए कि ओहो मैम के आने का टाइम फिर से हो गया। ऐसी ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, राइट? सो अगर ऐसा दिखाना पड़ रहा कि यार मिस पढ़ने को मिल गया, अभी तो हमें लंच भी नहीं किया हमने, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अब देखो मेरे बच्चे, थ्री लॉ सब्जेक्ट्स मेरे पास थे। कंपनी लॉ का डेमो हो चुका है, GIGL का हो चुका है, अब हमारा SBEC का है। विल डिग इन टू द सब्जेक्ट, राइट? हम उस सब्जेक्ट में घुसेंगे, खुरोए देंगे उस सब्जेक्ट को, बिल्कुल ठीक है मैम। आपको भी कहते हो स्विमिंग करवाऊंगी, कभी कहते हो खुरोए देंगे, क्या क्या मैम? CS है ना? हाँ ना, लाइक CS है। लॉ में स्विमिंग और लॉ की उधेड़ने की बातें हो रही है यहाँ पे। वैसे मत समझना कि तुम्हें स्विमिंग कंटेस्ट में जाके, है ना, जाके मैं तुम्हें ओशन में फेंक दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा मेरे बच्चे, तो मैम हम ना थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं। मतलब हमने कंपनी लॉ की भी ले ली, GIGL के लिए भी ले ली, और अभी ना हमें इतनी सिटिंग की आदत नहीं है। अभी आपको सिटिंग की आदत सबसे पहली बात तो क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज, वीडियोज देख रहे हो। बट जब फेस टू फेस आओगे ना, आपको लगेगा 2 घंटे खत्म यार, 8 बजे क्लास में बैठे थे, 10 बज भी गए, यू नो ऐसा चीज होगा यार। 3 बजे SBC की क्लास स्टार्ट हुई थी, 4:30 बज गए, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है? बट अभी जैसे हम थोड़ा सा एक कहते हैं कि जो फेस टू फेस टच होता है ना, वो अलग ही होता है। हम जितने मर्जी वीडियोस देख लें, ठीक है वीडियोस कन्वीनियंट है, बट इफ़ वी हैव टाइम, इफ़ वी हैव रिसोर्सेस, राइट, इफ़ वी हैव एवरीथिंग नीडेड फॉर अ फेस टू फेस क्लास, वाई नॉट टू गो डायरेक्टली इन द क्लास, राइट? एंड देन विल डू ऑल द थिंग्स। क्यों ना डायरेक्टली ही क्लास में जाएं यार टीचर से? बिकॉज एक जो फेस टू फेस क्लास का एक जो चार्म होता है ना, अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। सो इन केस अगर आप लोग आ सकते हैं, बाकी देखो बाकी तो आपका लाइव एट होम भी है, राइट? आपका लाइव एट होम भी है, मैं पढ़ा रही हूँ आपके घर पे, चल रहा हूँ मजे से, देखो है ना, पॉपकॉर्न रखे अपने पास, ऐसा नहीं करना ना लाइव, ठीक है? बट नॉर्मली क्या है, वो चीज़ रहती है कि अगर आप फेस टू फेस में आ सकते हो, यू हैव रिसोर्सेस, यू हैव टाइम, बिकॉज अभी जून 22 में देर इज अ टाइम, सो वी कैन कवर अप मॉड्यूल वन ईजिली, राइट? तो ट्राई करो आने की, बाकी लाइव एट होम तो ऑप्ट कर ही सकते हो, राइट? उसमें तो कोई इशू हमारे पास है ही नहीं। तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट बन रहा था मेरे बच्चे SBEC, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या माना जाता है, एक बार मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट ओवरव्यू दे दूँ आपको। नॉर्मली माना जाता है कि जो आपका SBEC है ना, वो चारों सब्जेक्ट्स में ईजी है। मतलब इन चारों में से जो आपका ईजी सब्जेक्ट माना जाता है, उसको आप SBEC कहते हो। और वो ईजी वो वाला ईजी नहीं है जो ईजी आप समझ रहे हो। मम्मी क्या ईजी बोल रहे हो आप? मतलब कि मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू यू ईजी इज जो आपको आता हो, बट इसमें वो वाला इजी नहीं है। इसमें इजी मतलब आपको पढ़ना ये भी है, मेहनत इस पे भी करनी है, बस बाकी सब्जेक्ट्स पे जितनी मेहनत करनी है उसे इतनी सी कम इस पे करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। अब इसमें देखो बच्चे, जैसे आपने अगर मॉड्यूल देखा हो ना, तो सेटिंग आप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स का अगर आपने मॉड्यूल देखा हो, तो इसमें ना ऐसे मैंने आपको टॉपिक नजर आएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ना 11th या 12th में पढ़े थे। ये गलती कर देना, खेल खत्म। आई विल शो यू द पेपर पैटर्न, आई विल शो यू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन HUF में कैसे होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ इज दिस इजी फॉर यू गाइस? इज दिस इजी? HUF के करेक्टर्स पूछ ले, चल करेक्टर्स पूछ ले, वो इज करेक्टर्स मतलब फीचर्स पूछ ले, वो हम इजी कह सकते हैं। बट टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू HUF, इज इट इजी मेरे बच्चे? Not at all. So don't dare to take this subject lightly, मेरे बच्चे। हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की CS Executive Module 1 या Module 2 में से किसी भी सब्जेक्ट को लाइट लेने की। तुमने उस सब्जेक्ट को लाइटली ले लिया ना, तुम्हारी एग्जाम में नथिंग टू से, मेरे पास कुछ नहीं बोलने के लिए। तो समझ जाओ बस कि अगर तुमने उस सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, किसी भी सब्जेक्ट को, तुम्हें कोई तुम्हें कह रहा है ना SBEC है, SBC ईजी है, ठीक है बोल लो, बोलने दो। बिकॉज जब पेपर आएगा ना, रियलिटी आपके सामने होगी, पेपर आएगा रियलिटी आपके सामने होगी यार, आप देखोगे कि किस लेवल का पेपर आता है SBC का भी। हाँ उसमें बच्चे ईजी हमें पता क्यों लगता है, क्योंकि उसकी हेडिंग्स ईजी हैं। जैसे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, राइट? वो चीज़ हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, बट बच्चे उसमें कितने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, कितने सारे उसकी लाइसेंसिंग होती हैं, राइट? और एक OPC में हमें नॉर्मली क्या पता है, OPC का मतलब होता है कि वन मेंबर कंपनी, मतलब वन पर्सन कंपनी, जिसमें वन पर्सन एज अ मेंबर, वन पर्सन है, दैट्स इट।
बट ओपीसी ना इतनी इजी नहीं है, ओपीसी इतनी इजी नहीं है मेरे बच्चे। जब आप ओपीसी में करवाऊंगी ना, तब आप बताओगे 36 तरीके की आपको बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं ओपीसी में। आपको नॉमिनी होना चाहिए, नॉमिनी इतने दिन रहना चाहिए इंडिया में, आप इतने दिन रहने चाहिए, राइट। नॉमिनी का चेंज होता है तो बताना है, आप चेंज करते हो नॉमिनी को बताना है, आपकी डेथ, नॉमिनी की डेथ, नंबर ऑफ केसेस। पार्टनरशिप पे हमें पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, एलएलपी पे एलएलपी है ना एक्ट 2008 लगता है। उन सब चीज़ों को पढ़ना है हमें, और वो चीज़ें इजी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप अगर ये सोच के पढ़ोगे ना एसबीसी इजी है, बहुत धोखे में रह जाओगे। इसलिए मैं सबसे पहले ना आपको ये सबसे पहले एक डिस्क्लेमर होता है ना, डिस्क्लेमर, आई एम गिविंग यू दैट डिस्क्लेमर, मतलब मूवी स्टार्ट होने वाली है मैम, बिल्कुल वेब सीरीज ही है ये भी, लॉ की वेब सीरीज। एपिसोड 1 आ चुका है, एपिसोड 2 आ चुका है, दिस इज एपिसोड 3, अभी एंड नहीं हुआ, बस ये ध्यान रखना। ये एक लौती ऐसी सीरीज है जिसका एंड 4 महीने बाद होगा, डेली 3-3 एपिसोड आएंगे। नॉर्मली वेब सीरीज में क्या होता है ना, हमारा एक हफ्ते के बाद एक एपिसोड आता है, वेट करते हैं जाते, बट इसमें क्या होगा, डेली 3 एपिसोड 4 महीने तक चलेंगे, 2-2 घंटे का एक एपिसोड। सोच सकते हो कितनी लंबी वेब सीरीज होगी, कर लोगे फिनिश? आर यू गाइज रेडी टू फिनिश द लॉन्गेस्ट वेब सीरीज एवर? नेटफ्लिक्स पे चला दे लाइको, इधर देखो। तो ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को पहले कि नॉर्मली जब बच्चा ये सब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उसकी कंसेप्शन यही रहती है कि आई डू इट बाई माई सेल्फ, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में देर आर लॉट टेक्निकलिटीज, जिनमें से ही क्वेश्चन आता है। आप एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स के फीचर्स, ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर। ये लग रहा है आपको सीएस का लेवल? गलत हो। अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पार्टनरशिप क्या होती है और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या आ जाएगा, ये सोच रहे हो तो तुम गलत हो, राइट। और अब अगला हमारा तो क्लोजर, क्लोजर उसका भी मतलब क्लोजर में बहुत कंटेंट है, राइट, कि बिजनेस को क्लोज कैसे करना। देखो नॉर्मली होता है कहीं बिजनेस क्लोज नहीं होते, कहीं बिजनेस 100 साल से चल रहे हैं, 200 साल मतलब 150 साल से चल रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट नॉर्मली बिजनेस जो होते हैं इनका एक एंड पॉइंट आता है जहां वो क्लोज हो जाते हैं। सपोज अगर कोई पर्सन है, राइट, अगर कोई कंपनी है, उसकी कंपनी नहीं चल रही तो वो बंद तो करनी पड़ेगी ना, और कौन बंद करवाएगा उसे, मुझे बताओ। शटर बंद कर दिया, कंपनी बंद होगी, शटर बंद कर दिया, पार्टनरशिप बंद होगी, शटर बंद कर दिया, दुकान बंद होगी, नहीं। आप सीएस, यू द नेक्स्ट सीएस, अरे तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें जो सामने बैठ के देख रहे हो, तुम करवाओगे, तुम उस पर्सन को बताओगे कि भाई तूने ये बिजनेस करना है तो इस फॉर्म में जा, अगर तूने ये बिजनेस करने के लिए इस फॉर्म में जाना है तो तेरे को ये करना है, और ये अगर तुम्हें नहीं पता होगा ना लाइक, उसको क्या बताओगे, सोचो। तो बच्चे जब हमें, जब हमारे यू नो कहते कंधों पे जिम्मेदारी आती है ना किसी को कुछ सिखाने की, राइट, तो हमें उस काम में अपना 100 नहीं 1000 देना पड़ता है, क्योंकि दूसरा तो तुमसे कोई भी डाउट पूछे खड़ा हो जाएगा, यार बताओ, अच्छा आपने, आप सोल प्रोप्राइटरशिप, रट के उसने कहा मेरे को ना एक बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल पे, आपने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले, वो कहेगा क्या, आपने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले, मैं वही पढ़ के आऊँगा, वही खोल ले। कहता मैं कंपनी क्यों नहीं खोलूँ, मेरे को तो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, पार्टनरशिप क्यों नहीं खोलूँ, कहते बस ये सोल खोल लेना, सोल प्रोप्राइटरशिप, मुझे दुखी मत करो, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल, बताओ। अगर ऐसा करोगे तो चलेगा क्या, वो तो क्लाइंट चला ही जाएगा, और वो कोई आने भी नहीं देगा आपके पास, अरे यार उसके पास जा रहा हूँ, अरे वो नहीं, वो तो तुझे कहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले, कोई भी उसके पास जाओगे वो, अगर आप उसके पास जाओगे ना ये कह रहे हैं कि भैया बंद करने, क्लोज करना है, तो वो भी यही कहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले। तो मेरे बच्चे इसीलिए हर जो पॉइंट है, हर जो स्ट्रक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो, कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, जो हमारे हम देखेंगे कि क्लाइंट चाहता क्या, भाई साहब क्लाइंट अच्छा तो ये चाहता है, ठीक है तो ये खोल। क्योंकि देखो अब आजकल कस्टमाइज्ड चीजें बहुत चली हुई है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, मैंने काफी बच्चों को बना के दिए हैं डाइट प्लान, नहीं कस्टमाइज्ड टाइम टेबल, यू नो डोंट रिलेट टू इट, क्या बात है, कस्टमाइज्ड टाइम टेबल, राइट,
एक उसमें इतने सारे बच्चों की इनरोलमेंट हो गई थी ना, मतलब बट फिर मुझे वो बंद करना पड़ा बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए थे, एंड कस्टमाइज्ड बनाने में टाइम लगता है, राइट। सो मेरे बच्चे ऐसे ही क्लाइंट को भी वही कस्टमाइज्ड आपकी कंसल्टेंसी चाहिए। वो ये नहीं चाहता कि जो आप सबको बताते हो वो आप उसे बताओ, वो ये चाहता है कि जो उसके लिए बेस्ट है ना मेरे बच्चे, आप वो उसे बताओ। होप दिस मेक्स सेंस, होप दिस इज क्लियर। ओके मेरे बच्चे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब ये देखो, होप होप ये मॉड्यूल मेरे बच्चे विजिबल होगा आपको। देखो पेपर 3 है आपका, ये देखो मॉड्यूल 1 पेपर नंबर 3, राइट। मॉड्यूल 1 आपका पेपर नंबर 3। ये ICSI ने अपनी सारी चिट्ठियां देखो बच्चे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, बैंकिंग रेगुलेशन, BD वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर चिट फंड, मतलब काफ़ी कुछ, देयर इज अ लॉट टू स्टडी, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, ग्रेचुटी, तो बहुत कुछ है। अब देखो मेरे बच्चे, इसमें ना पहले टाइम क्या होता था, पहले टाइम इन द सेंस 2017 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, राइट। उससे पहले क्या होता था कि आपका कंपनी लॉ में ये सब चीज़ें डाल दी जाती थी, आपका टाइप्स ऑफ कंपनी जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, या जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, एसोसिएशन, कॉरपोरेट वेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ये आप यहाँ पढ़ रहे हो। बट हम लोग ये पढ़ते थे बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस, तो हम लोगों ने पढ़ा कंपनी लॉ में, राइट, कंपनी लॉ में पढ़ा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कंपनी लॉ भी वास्ट हो गया और ये सब चीज़ें भी वास्ट हो गई हैं, बिकॉज कंपनी लॉ ने ये पोर्शन अपने आप का दे दिया दूसरे पेपर को, बट फिर भी वो 100 नंबर का ही है। और इस पोर्शन जो उस टाइम पे पता नहीं कितने नंबर का आता था, कम मार्क्स का आता था, अब ये भी 100 नंबर का बन गया। तो अब समझ रहे हो कि मतलब किस अकॉर्डिंगली आपके जो मार्क्स हैं वो चेंज हो गए हैं, राइट। किस अकॉर्डिंगली आपके पेपर पोर्शन हैं वो चेंज हो गए हैं। कितने पेजेस का मॉड्यूल है ये, 534। एंड हाउ कैन यू से यार इजी है, मतलब 534 पेजेस कोई मतलब बच्चों का काम है क्या? 534 पेजेस बताओ, 534 पेजेस थोड़े होते हैं क्या, उन्हें पढ़ना कम है क्या? हाँ, कंपनी लॉ देख के मतलब तुम किसी भी सब्जेक्ट को इजी बोलोगे क्या? अब ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। एंड पार्ट 3 आपका क्या है, इंसॉल्वेंसी। अब देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे मार्क्स का, इसमें SBEC में, SBEC, अच्छा सिंगिंग मेरी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो अगर मैं कभी बोलूँ तो अपने कान बंद कर सकते हो तुम, ठीक है। SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। सबसे पहला तो मैं हमारे बच्चे टॉपिक होता है कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कौन सी करनी है। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जब बिजनेस स्टार्ट होता है मेरे बच्चे, जब हमें एक आइडिया ही आया है कि लेट्स डू दिस, राइट, लेट्स रॉक, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं। और हम नहीं सोचते, ये लेमैन नहीं सोचता है, ये कंपनी सेक्रेटरी सोचते हैं, राइट। एक लेमैन जाता है कंपनी सेक्रेटरी के पास चलकर या बाइक पे, किसी पे भी, मतलब चलकर का लिटरल मतलब मत ले लेना लायक को, मतलब कि जाता है CS के पास, CS से पूछता है कि व्हाट शुड आई डू नाउ, आई हैव अ आइडिया, व्हिच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड आई ऑप्ट फॉर, वेदर आई गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, विच विल बी फ्रूटफुल फॉर मी, विच विल अर्न बेनिफिट्स फॉर मी, समझ रहे हो, जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हो, डिसएडवांटेजेस कम हो बच्चे। क्योंकि देखो हर चीज़ के मतलब अगर आपके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं ही हैं, राइट। अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं ही हैं। सो हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके कुछ आपके पास एडवांटेजेस आएंगे एंड कुछ डिसएडवांटेजेस आएंगे, तो यू वॉन्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों इक्वली हो, राइट। ऐसा नहीं हो कि अच्छा इसके मतलब एडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं हो कि एडवांटेजेस ही हैं डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि फिर सारे ही वही ऑप्ट करेंगे और ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ही नहीं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओप करते हो, कब तक अकेले बंदा काम संभालेगा यार, खुद सोचो कब तक अकेले आप काम संभालोगे। नॉर्मली आजकल क्या होता है, सपोज कोई शॉप हो, पापा ने हमारी पापा की शॉप होगी, राइट, उसमें बेटा बेटी बैठते कहाँ हैं आजकल, कहाँ बैठते हैं, कभी आपने देखा है? नहीं। नॉर्मली बेटा अपना अलग जॉब कर रहा है, बेटी अलग जॉब कर रही है, दे आर इंडल्जिंग सम अदर थिंग्स, अदर प्रोफेशंस, समझ रहे हो मेरी बात। तो इससे एक बंदा कहाँ तक बिजनेस को लेकर जा सकता है, कहाँ तक ग्रो करना है, बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू ग्रो वी हैव टू ग्रो टुगेदर, ये हमेशा बात याद रखना।
इफ वी वॉन्ट टू ग्रो, अगर टुगेदर मतलब साथ में उड़ेंगे ना, साथ में ग्रो करेंगे तो निखरेंगे, समझ लो, साथ में ग्रो करेंगे, साथ मतलब हम और आप साथ में ग्रो करेंगे तो निखरेंगे मेरे बच्चे। तो ग्रो करनी है तो वी नीड पीपल, ऐसा नहीं है कि मतलब उड़ने के लिए लोग चाहिए, जस्ट कि एक ऐसा साथ चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें उड़ने में मदद करे। एंड वी जस्ट स्टडी हब हियर फॉर यू, राइट, हम लोग आपको उड़ना सिखाएंगे, साथ में हम भी उड़ेंगे, समझ रहे हो मेरे बच्चे बात। सो दैट इज व्हाट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग मीन, कि हमें ऐसे ही आंखें बंद करके, ऐसा नहीं है, अच्छा अब ऐसा तो है नहीं, आप सीएस के पास गए, अब ऐसा सपोज आप मेरे पास आए, राइट, मैं आपने कहा मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बता दो, मैंने एक बॉल रखा हुआ था अपने आगे, उस बॉल में एक पर्ची थी बिजनेस सोल प्रोप्रेटरशिप की, एक पर्ची थी पार्टनरशिप की, एक पर्ची उसमें थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, एक पर्ची थी उसमें कंपनी की, एक पर्ची थी उसमें ब्रांच ऑफिस की। मैंने कहा आंखें बंद करो, आपने कहा क्यों, मैंने कहा आंखें बंद करो और इसमें से एक पर्ची उठाओ, जो आई वो तुम्हारी, जो आई वो खोल लेना। वो पूरा बोल ऐसा मुंह पे फेंक के जाएगा, समझ रहे हो, चिट्ठियां सारी मेरे मुंह पे, समझ रहे हो मेरे बच्चे। सो इसके लिए ना हमें उसकी मतलब बिल्कुल ऐसे जड़ तक जाना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या उसमें चाहिए, क्योंकि उसमें भी लाइसेंस चाहिए। इफ यू आर ओपनिंग अ लिकर शॉप, शराब का ठेका खोल रहे हो तो ऐसे खोल लोगे यार, यू नीड सम लाइसेंसिंग, राइट, वो लाइसेंसिंग इसमें पता चलेगी। और अगर वो बंद करनी है वो चीज़ वो बंद करनी है परमानेंटली, तो वो हमारी क्लोजर में पता चलेगी। तो लाइक वी हैव थ्री पार्ट्स, द फर्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां हम चूज करते हैं, सेकेंड इज हमारा रजिस्ट्रेशन जहां रहता है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस रहते हैं, पार्ट इज थर्ड इज क्लोजर, जब हम एंटिटी को बंद करते हैं। तो आप यहां से देखो मेरे बच्चे, एक मिनट, आ जा, ये देखो मेरे बच्चे, पार्ट एक है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इसमें आपका बिजनेस सेट हो रहा है, राइट, आप चूज कर रहे हो कि विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म शुड आई ऑप्ट फॉर, राइट, उसके एडवांटेजेस देख रहे हो, उसके डिसएडवांटेजेस देख रहे हो, उसकी फीचर्स देख रहे हो, उसे कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हो उसकी, राइट, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। एंड ये 40 मार्क्स का आता है, इसमें वी हैव 12 चैप्टर्स, राइट, इसमें कितने चैप्टर्स हैं मेरे बच्चे, वी हैव 12 चैप्टर्स, हम 12 चैप्टर्स पढ़ते हैं 40 मार्क्स के लिए। अच्छा, अब आता है बच्चे आपका पार्ट बी, जिसमें आप पढ़ते हो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड कंप्लायंसेस, क्योंकि बच्चे अब एक चीज बन गई, अब उस चीज को कंप्लायंस भी तो करना पड़ेगा। जैसे अब देखो बच्चे का जन्म तो हो गया, पर सोसाइटी के जो नियम है उससे भी तो कंप्लाई करेगा, नहीं किया तो बच्चा बिगड़ा हुआ, ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ही रहता है, अगर बच्चे ने सोसाइटी की कोई बात नहीं मानी, भाई साहब बच्चा बिगड़ गया आपका, पता नहीं। तो कंप्लायंसेस करने बहुत जरूरी होते हैं, वैसे आज के टाइम पे तो ठीक है, आज के टाइम पे तो मतलब पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं टचवुड, दे आर रियली लिबरल, राइट, वो लिबरल है, उनकी जो सोच है इट्स लाइक कि दे वॉन्ट अस टू ग्रो बियॉन्ड आर लिमिट्स, राइट, दे वॉन्ट अस टू फ्लाई, they want us to succeed, समझ रहे हो। सो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड जो अब आप एक बन गया, एंटिटी आपकी बन गई, तो यार ऑब्वियसली उसके कुछ कंप्लाइंसेस होंगे, कुछ लाइसेंस चाहिए होंगे, ले लो ना यार, बन गया तो ले लो। अब इसमें मेरे बच्चे, ठीक है, ये आपका आता है, इसमें वी हैव फाइव चैप्टर्स आई थिंक ऐसा ही कुछ है। अब मेरे बच्चे अब इधर देखो, 5 चैप्टर्स है इसमें, पार्ट सी बंद करना, ठीक है। अब जैसे एक ह्यूमन साइकिल होती है, बर्थ, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आता है, उसके बाद यू नो हम टीनेजर्स बन जाते हैं, फिर एडल्ट्स बन जाते हैं, देन मतलब बूढ़े होके मर जाते हैं, यही होता है ना, ऑब्वियसली दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। मैम हमें ना क्वेश्चन आ रहा है कि अगर यही साइकिल है, मरना ही है, तो सीएस क्या करने बताओ नलायक, मतलब तुम तो अभी आई थिंक 20 के, मतलब होपिंग की 30s में हो अपने, राइट, जिसमें भी हो चलो, ठीक है, लाइक 25 मतलब इतनी एज है सबकी, तो अभी सब मरने के प्लान बना लिए यार तुमने, जिंदगी नहीं जीनी, क्या जिंदगी जीनी भी नहीं है, आईफोन 13 प्रो मैक्स कौन लेगा, मिरर सेल्फी कौन डालेगा, मिरर सेल्फी ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ओ भाई मैम ये तो मैम अब तो करनी है सीएस, अब तो करके रहेंगे मैम, आप देखो आपने आईफोन कह दिया ना, आईफोन मैम हमारी कमजोरी है, और स्पेशली मैम मिरर सेल्फी विद आईफोन, मतलब मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि मिरर सेल्फी विदाउट एन आईफोन इज अ क्राइम, उसको भी आप डाल दो क्राइम की डेफिनेशन में, कि अगर आपने मिरर सेल्फी ली एंड यू डोंट हैव आईफोन, यू आर अ क्रिमिनल, हाउ डेयर यू टू टेक अ मिरर सेल्फी विदाउट आईफोन। चलो, तो मेरे बच्चे वी हैव थ्री पार्ट्स इन दिस, राइट,
थ्री पार्ट्स हैं, एक बार दोबारा बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन पेपर देखेंगे इसका, ठीक है? पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए मेरे बच्चे आता है आपका 40 नंबर का, पार्ट बी आपका आता है मेरे बच्चे 35 नंबर का. 40 35 कितने हो गए? 40 35 कितने हो गए? 75 ना. पार्ट सी आता है, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? 25 मार्क्स का. पार्ट सी तो बहुत कम आता है, तो नलायक को है भी तो तीन चैप्टर. पार्ट सी में तीन चैप्टर हैं 25 के, और पार्ट ए में 12 चैप्टर हैं 40 के. तो उस हिसाब से तो पार्ट सी ठीक है, तीन चैप्टर 25 के हैं और उसमें 12 चैप्टर 40 के हैं, और पार्ट बी इज लाइक इक्वल 5 चैप्टर 35 के हैं. तो ठीक है, कुल मिला के इज ओके, राइट? आपके 100 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे. पार्ट ए में हम पढ़ेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वी चूज, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का ए से जेड तक हम पढ़ेंगे, राइट? आज नोट फ्रॉम द बुक मैं आपको कुछ भी स्टार्ट नहीं करवाने वाली, बिकॉज पहले हम सब्जेक्ट को जानेंगे, ठीक है? इसका हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आता है, देन ओनली विल मूव फॉरवर्ड. ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको स्टार्ट करवा दूं एंड यू नो नथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, राइट? ऐसा नहीं होगा. पार्ट बी में मेरे बच्चे हमारे जो रजिस्ट्रेशन कराने होता है, सपोज अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है, आपको MOA चाहिए, राइट? आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, आपको कितनी सारी फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है? ये सब लाइसेंसेस हो गया एंड कंप्लाइंसेस, राइट? ये आपका 35 मार्क का आता है पोर्शन. और पार्ट सी आपका होता है क्लोजर, राइट? जिसमें आप पढ़ोगे कि वाइंड अप क्या होता है, राइट? बैंकर मतलब नॉर्मली वाइंड अप क्लोजर पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है, ये सब चीजें हम पार्ट सी में पढ़ेंगे. लाइक इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. सोच रहे यार फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बोरिंग, मतलब ऐसा होता है, नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल. लाइक मैम आप तो हर एक चीज को ब्यूटीफुल कहते हो, बिकॉज हमें किसी से प्यार है, हमें कंपनी लॉ से भी प्यार है, सेटिंग अप से भी प्यार है, GIGL से भी प्यार है. अगर ना करें तो मुझे बताओ आपको प्यार कैसे करवाएंगे? आप खुद सोचो. अगर मैं ही अपने पार्ट पे ऐसे कहूंगी कि यार ये बोरिंग है, ईजी है, ये कंपनी लॉ बोरिंग है, ईजी है, तो आपको उस चीज से प्यार कैसे होगा? तो जब तक हम उस चीज से प्यार नहीं करेंगे, आपको भी प्यार नहीं करवा सकेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, देखो जैसे एक पेरेंट की सोच होती है ना, नॉर्मली बच्चे की सोच भी वैसी होती है, तो जैसे एक टीचर की, एक मेंटोर की सोच होती है ना, बच्चे की भी वैसी होती है. तो ये मत समझना कि आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं. नहीं मेरे बच्चे, नहीं, यहाँ आपकी नॉलेज की डेवलपमेंट हो रही है और आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है. जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड. ऐसा नहीं है कि बस आपकी नॉलेज डेवलप हो रही है और आपके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे अच्छे, ऐसा नहीं होगा. आप इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस लॉ को देखोगे. CS सच में बहुत अच्छा कोर्स है, इन रियलिटी बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप इसे अपने दिल और जान से करते हो. पहले किसी की बातों में मत आ जाना, राइट? स्कोप नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है, नहीं. अरे क्यों नहीं है स्कोप? बनाओ ना, बना हुआ मिलेगा क्या तुम लोग को स्कोप? हाँ, CS पार करोगे और क्या 40 लाख का पैकेज आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट करते हो तुम? नहीं, ऐसा होने ही नहीं वाला है. स्कोप बनाना पड़ता है बच्चे. हम अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अरे नहीं आएगा, लाना पड़ेगा यार, कभी नहीं आएगा. अगर बोलते रहोगे ना आने के लिए, कभी नहीं आने वाला. यू हैव टू ड्रैग इट, घसीट के लेकर आओ उसको. तो वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट, मेक श्योर कि आप उस सब्जेक्ट में हो, आप उस सब्जेक्ट को जी रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को इन रियलिटी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो. अगर बोल रहे हो कि ठीक है 100 नंबर का पेपर है, क्लियर करना है, ठीक है, ओके, यू कॉल, ओके. बट मैंने अपने पार्ट में आपको समझा दिया है कि सब्जेक्ट को लाइटली लेने की कोशिश भी मत करना, हिम्मत भी मत करना, अदरवाइज सिर्फ पछताओगे. वो ये सब्जेक्ट है, तू रोएगा, पछताएगा, हाथ करना नू लाएगा, ट्रस्ट में. इसको क्या, किसी भी सब्जेक्ट को ईजी मत लेना, ठीक है? अदरवाइज फिर देखना एग्जाम में देखना फिर. चलिए आप देखिए मेरे बच्चे, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है? अब आप इसका एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं. क्वेश्चन पेपर देखिए, 100 नंबर का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आता है. अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखो यहीं पे आया हुआ है. एडवाइज हिम इन द की पॉइंट्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन एक्सपेक्ट टू बी कंसीडर इन क्रिएशन ऑफ HUFDEET. पहली केस स्टडी है भैया, ब्रो पहली केस स्टडी है. मैं ब्रो बोलो, ब्रो इज लाइक स्कूल, मतलब पहली केस स्टडी है, समझ लो बात को. इस जस्ट की आपको ये नहीं देखना कि HUF की फीचर्स के, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखना कि अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया है, उसकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ. दिस शुड बी योर फोकस, राइट? अब देखो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये इस डी है.
क्वेश्चन नंबर वन में मेरे बच्चे पेपर पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको. क्वेश्चन नंबर वन में काफ़ी टाइम से ये मतलब 3-4 अटेम्प्ट से यही पैटर्न आ रहा है और होप आगे भी आएगा, बट चेंज भी हो सकता है, बट होप करते हैं कि आगे यही आएगा. क्वेश्चन नंबर एक मेरे बच्चे 20 मार्क्स का होता है. कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का. 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें. कितने? 4 क्वेश्चन चाहिए तो आप जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक. क्वेश्चन वन कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का. क्वेश्चन वन पार्ट ए में से आता है, यानी सेटिंग अप वाले से, राइट. 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं डी, मतलब 20 मार्क का. अब क्वेश्चन बी टू में वी हैव अ चॉइस. क्वेश्चन टू हमारा होता है चॉइस का, राइट. उसमें हमारे पास 5 पार्ट होते हैं 4 मार्क ईच के, राइट. 5 पार्ट होते हैं 4 मार्क ईच के, ये भी 20 का होता है. तो क्वेश्चन नंबर वन और टू आपका आता है पार्ट ए से. क्वेश्चन नंबर टू में चॉइस रहती है, या तो टू रहता है या टू ए रहता है. मैम ऐसा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन टू का, एक क्वेश्चन टू ए का, एक क्वेश्चन टू का, एक क्वेश्चन टू ए का? नहीं, ऐसा नहीं करना. या तो सारे क्वेश्चन टू के करने हैं या सारे क्वेश्चन टू ए के करने हैं, राइट. तो मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर एक, और सेकेंड में क्या रहता है? 5 क्वेश्चन रहते हैं मेरे बच्चे 4 मार्क ईच के. ये देखो, देखो नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग, देखो यहां आ गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. आरओसी की बातें आ रही है यहां पे, समझ लो. देखो अब यहां पे क्या आ गया, एक्सप्लेन इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शंस. भाई सब इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शन सुना भी है ये वर्ड कभी? इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या होता है? जब तुम लोगों को इसको पढ़ोगे नहीं, डेप्थ में नहीं जाओगे चीजों की, तो क्वेश्चन कर कैसे पाओगे सॉल्व? क्वेश्चन सॉल्व कर कैसे पाओगे मेरे बच्चे, राइट. अब इधर देखो, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाता है. देखो टू या टू ए में से वी हैव टू डू, और पार्ट बी में से, पार्ट बी हमारा किसका आ जाता है? पार्ट बी आ जाता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमारा 35 नंबर का आता है, 35 मार्क्स. थ्री आता है. अब देखो मेरे बच्चे, थ्री में चॉइस नहीं होती, फोर में चॉइस होती है, राइट. थ्री में हमारे पास क्या होता है? 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क, नहीं एक सेकेंड रुको, कितने हैं ये? हाँ 5 मार्क ईच के 4 क्वेश्चन, 5 मार्क ईच के 4 क्वेश्चन, यानी 20 मार्क्स. बचे 15, 15 हमारे कैच करते हैं या तो क्वेश्चन नंबर 4 या 4 ए, राइट. मतलब बिकॉज देर इज अ चॉइस, राइट, देर इज अ चॉइस, या तो आप 4 कर लो या आप 4 ए कर लो, राइट. अब देखो मेरे बच्चे कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें? 5 होंगे और 3-3 नंबर के. देखो कितने? 5 हैं और 3 नंबर के. अब देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडमार्क्स, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होता बच्चे कि देखो यहाँ पे एक एक्ट लग रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें बतानी है. तो SBEC को ना हमेशा मेरे बच्चे टाइम जितना आप कंपनी लॉ या GIGL को देते हो उतना ही आप SBEC को भी दो. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज मज़े आपको फिर अच्छे दिलवा देगा, मज़े बहुत अच्छे. और क्लास में भी बच्चे, क्लास में भी ये मत सोचो कि खुद हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन देखे हैं ना, तो कोई जर्नल कोई ऐसा क्वेश्चन तो मुझे मिल रही नहीं रहा जो कि मतलब 12th वाले बच्चे को आता हो, ये CSWT वाले के बच्चे को आता हो. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे तो मेरे बच्चे, लिटरली कोई ऐसा नहीं मिल रहा. वही क्वेश्चन है जो CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे को आते हैं. आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. मतलब यार सोचो, एक चीज़ को आपने संभालना है, उसे पैदा भी आपने करना है, उसे डुबाना भी आपने है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, ये सोचो. एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सोचो, अगर मैं आपके पास कल को आती हूँ, सपोज आपका नेम, आई डोंट नो योर नेम, चलो कुछ भी हो, मैं आपके पास आती हूँ, अब फेस टू फेस मिलेंगे तो नाम याद कर लूँगी मैं, ठीक है. अब मैं आपके पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि यार मुझे ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मतलब मेरे पास बिजनेस आइडिया है, मुझे कंपनी इस्टेब्लिश करनी है. अगर मैं पहले ही बोल दूँ, अगर क्लाइंट पहले ही सोच के आया कि कंपनी बनानी है, तो आप उसे ये बताओगे पहले कि कंपनी में ये सब होता है, एडवांटेजेस ये डिसएडवांटेजेस है. फिर वो पूछता है यार मुझे बता दे क्या कर सकता हूँ मैं, तो फिर आप उसे सब चीज़ें बताते हो. आप जब सब चीज़ें बताते हो तो आज के टाइम पे टैक्स लगता है, जब आप फैक्ट्री बनाते हो तो उस पर बहुत सारे एक्ट्स लग जाते हैं, राइट. जब आप कोई भी फॉर्म बनाते हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, उसमें बहुत सारे एक्ट्स लगते हैं. तो आपको उन सबका भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एक्ट कहाँ लग रहा है, कौन सा एक्ट कहाँ लग रहा है. अगर आपको पता ही नहीं होगा तो उस चीज़ के एडवांटेज ही क्या है, समझ रहे हो? अगर आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो एडवांटेज क्या उस चीज़ का. सो ओके, अब देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको क्या, 4 चॉइस आती है, या तो 2 और 2A या तो 4 और 4A में. 4 में क्या होगा? 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, 35 नंबर खत्म. अब पार्ट सी आ जाता है बच्चे. पार्ट सी हमारा किसका आता है? हाँ जी, पार्ट सी हमारा किसका आता है? पार्ट सी मेरे बच्चे हमारा आता है क्लोजर का, राइट. क्लोजर का
तो हमें इसमें बताया जाता है कि अगर अच्छा कोई कंपनी वर्क नहीं करी, डोरमेंट कंपनी है, सपोज डोरमेंट कंपनी है या कोई कंपनी इनएक्टिव है, तो उसका क्या स्टेटस रहता है, राइट. इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें. एक तो फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इसमें, तीन ही होते हैं ना, नहीं पांच पार्ट्स, जस्ट अ मिनट, सॉरी. क्वेश्चन नंबर हमारे फाइव में वी हैव फाइव पार्ट्स, थ्री मार्क ईच, 15. और क्वेश्चन नंबर सिक्स में दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पांच नंबर के, और वो 10 मार्क्स का होता है. मतलब इसके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न आ रहा है, तो आपको सेट करना है कि अब देखो, अब चॉइस किस में आ रही है, पार्ट वन में आ रही है और पार्ट टू में आ रही है, यानी पार्ट ए में चॉइस आ रही है और पार्ट बी में आ रही है. बट उसमें भी क्या क्या है आपका पार्ट, या तो आपको पूरा पार्ट टू करना है या तो पूरा पार्ट टू ए करना है. ऐसा नहीं हो सकता कोई टू का क्वेश्चन आता है वो कर दो, कोई टू ए का क्वेश्चन आता है वन वो कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट. ऐसा तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो उस चीज़ में क्या रहता है, उस चीज़ में ये रहता है कि हम कोई भी चैप्टर ना स्किप नहीं कर सकते. आप अगर कंपनी लॉ का पेपर देखते हो या GIGL का पेपर देखते हो, उसमें भी ऐसे ही है. तो कोई भी चैप्टर स्किप कर रहे हो, और उन पाँच में से सपोज करो उन पाँच में से दो क्वेश्चन उस चैप्टर के आ गए, तो वहीं आपके मार्क्स चले गए, वहीं आपके मार्क्स चले गए. तो आपको ये एनालाइज करके चलना है आपके माइंड में कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है, सब की वेटेज इक्वल है, सब 100 नंबर के हैं. अगर इसमें भी सपोज सब में आपके 60 आए, ठीक है, इसमें कम आ गए, कहाँ के हो, कम इन द सेंस मतलब 40 से भी कम आ गए, कहाँ के हो, कहीं के भी नहीं हो, समझ रहे हो बात को. सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड मेरे बच्चे, हर चीज CS एग्जीक्यूटिव है और प्रोफेशनल में इक्वली 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चे. चलो अब अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर देखोगे ना, आज बुक से नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, आज आज हाँ फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, सिटिंग, ये तो पार्ट बी के अकॉर्डिंग, या आ जा. इसमें हम चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे. नॉर्मली हमने पढ़ा होगा सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP पढ़ा होगा, राइट. अब LLP को कौन गवर्न करता है, LLP एक्ट 2008, उसमें भी बड़े सारे सेक्शंस हैं, 81 सेक्शंस हैं LLP एक्ट में एंड 4 शेड्यूल्स हैं, राइट. तो वो चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है. अगर आप LLP बना रहे हो, राइट, उसका कोई नया मेंबर आ रहा है, कोई पुराना मेंबर जा रहा है, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है. LLP को इनकॉर्पोरेट करना बहुत इजी होता है, यू जस्ट हैव टू फाइल 3 फॉर्म, E-form 1, E-form 2 एंड E-form 3, LLP बन गई. बट उसके कुछ अपने डीमेरिट्स भी रहते हैं. अब कंपनी, अगर आपको एक बिल्कुल लीगलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए, राइट, एक लीगलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए आपको, ये एक लीगल बैकिंग हो, जिसके आप कुछ भी करो उसके पीछे एक लीगल मतलब एक हो कि हाँ मैं खड़ा हूं, तो आप कंपनी बनाओ. बट कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना भूल गए ROC में, पनिशमेंट, पेनल्टी, फाइन. दिस अ डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, विल डिस्कस इन GIGL सेशंस, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है, सीखेंगे, साथ बढ़ेंगे, राइट. अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप 1932, पार्टनरशिप एक्ट. अब उसमें पार्टनरशिप एक्ट में तो इतनी कन्फ्यूजन्स रहती है ना, कि पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है, पार्टनर चला गया है, उसे अभी तक उसके हक के पैसे नहीं मिले, कंपनी पे लाइबिलिटी आ गई तो क्या होगा. देर आर न्यूमरस थिंग्स विच यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू बी पेशेंट. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारे लोग आओगे, एक दिन आओगे, ढाई क्लास मैम हमारी तो ढाई घंटे की क्लास है, चैप्टर तो एक भी फिनिश नहीं हुआ. ऐसे नहीं करना है, राइट, ऐसे नहीं करना. उतावला इतनी जल्दी, ओवर एक्साइटमेंट. मैम हमें ना पहले थी, जब आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था ना, तब हम सोच रहे थे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों साथ देके काम में बैठते हैं. बट अब तो मैम हम सोच रहे हैं अगर हम ICSE टाइम निकाल दे, अगर ऐसी कोई, तो एक एक पेपर करके क्यों ना दे ले, चार महीने में एक पेपर दे ले मैम, चार महीने में एक पेपर, आठ पेपर है मैम, तो लगा लो हमें मैम 2 साल लग जाएंगे. बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी. तुमने सोचा तालियां हो जाए तुम्हारी सोच पे ना लायक, इतना भी कुछ टफ नहीं है बच्चे, इतना भी कुछ नहीं है. मैंने क्या बोला, अगर आप विश्वास रखो साथ में करेंगे, राइट, हम साथ में करेंगे. अब इधर देखो बच्चे, अब व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. टेंशन मत लो, बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, इट्स फर्स्ट क्लास, सो आई एम नॉट यू नो जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि चलो आपको बुक से करवाया जाए, बिकॉज फर्स्ट क्लास में यार अगर बातचीत हो तो अच्छा लगता है ना. अब इधर देखो मेरे बच्चे, मैं वन थिंग आई वॉन्ट टू देखो, इसमें आप देखो यहाँ पे ना कंपनी लॉ का पोर्शन बहुत है, बहुत कंपनी लॉ का पोर्शन. जैसे देखो रजिस्ट्रेशन हो गई, आप इधर देखो, अब ये आपके हो गए, अब आप मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर,
राइट, जैसे कंपनी होती है उसे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ उसके डायरेक्टर्स होते हैं, सारा कुछ, तो वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं, किस सेक्शन के अंदर वो चीज़ें मेंटेन होती हैं। और बच्चे लेबर लॉज, देखो लेबर लॉज ना आज के टाइम पे एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। जैसे इसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा द फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन एंड लेबर एक्ट में अब हम ये करेंगे। बहुत ही बेहतरीन फील्ड है मेरे बच्चे ये लेबर लॉज की। बिकॉज आज बता क्या होता है, पहले ना जो लेबर लॉज होता था उसमें आनाकानी कर जाते थे बच्चे, राइट, आनाकानी कर जाते थे। बट अब जो लेबर लॉज आया ना बहुत ही बेहतरीन ड्राफ्ट होकर आया, राइट, बहुत ही बेहतरीन। इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, द फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर, माइंस एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप को भी लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, राइट, उसे भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत होती है। तो हम पढ़ेंगे किन किन केसेस में होती है। SBEC का आप लगा लो 150 प्लस ईजिली जाएगा। आई एम सेइंग यू 150 प्लस ईजिली जाएगा SBEC। इतना कंटेंट है कवर करने के लिए, इतना ज़्यादा कंटेंट है कवर करने के लिए। उसके बाद देखो बच्चे, हम ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, राइट, हम नॉर्मली बोलते हैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट, बट इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इन डेप्थ जाके देखेंगे। ये चीज़ अगर है तो ट्रेडमार्क, अगर ये चीज़ है तो कॉपीराइट। विल थिंक लाइक दिस, राइट, इट्स नॉट ये ठीक है पढ़ लिया ट्रेडमार्क कैसे चाहिए होता है कॉपीराइट, नहीं यार वो नहीं करना, वो बिल्कुल भी नहीं करना हम लोग को। फिर देखो अब कंप्लाइंसेस अंडर लेबर लॉज, ठीक है, कि लेबर लॉ के कंप्लाइंसेस क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। पहले ना अब जैसे देखो यही चैप्टर्स होते थे, जैसे अब ये तो एक ही, इन्होंने एक ही चैप्टर में डाल दिया ना, 17 चैप्टर में ही डाल दिया ये। पहले ये पूरे पूरे चैप्टर्स होते थे, हम लोगों ने पढ़े थे, फैक्ट्रीज एक्ट था पूरा, मैनेज मिनिमम वेजेस एक्ट था पूरा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड पेमेंट, ग्रेचुटी, आज तक याद है ये, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मैटरनिटी एक्ट, रिलीफ एक्ट, राइट, बहुत थे, मतलब ये सारे चैप्टर्स थे। अब ये तो इन्होंने एक ही चैप्टर में डाल दिया, तो आप सोच सकते हो कि पहले ये सारे अलग अलग चैप्टर्स थे और वही चीज़ एक ही चैप्टर में कंबाइन होकर आ रही है, तो उसका एक्सटेंट जो है, मतलब एक पहले अगर आप 10 चैप्टर पढ़े हो और अब आप एक चैप्टर पढ़ना है आपने, कंटेंट का लेवल क्या होगा यार, हाई, राइट, और CS में तो वैसे ही यार हाई है, राइट, बिल्कुल हाई है। अब देखो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैम वेदर टू गो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आई सीरियसली रिकमेंड, अगर आपके पास 3 महीने और होते, ये लाइक अगर आपका पेपर दिसंबर में है, तो अभी भी रिकमेंड करूँगी फर्स्ट कंप्लीट योर मॉड्यूल 1 आप, ठीक है, अपना मार्च तक मॉड्यूल 1 कंप्लीट कीजिए एंड देन गो फॉर मॉड्यूल 2। बट योर एग्जाम बच्चे आपका जून में है, तो जून में 2 ग्रुप के लिए जाना इज लाइक नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में आई थी ना, ट्रस्ट मी, लाइक इट्स अ ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो मैंने एक दिन ग्रुप नई नहीं थी, लाइक बिल्कुल न्यू, ठीक है, मैं दिल्ली आई, तो मैंने एक दिन ग्रुप 1 की क्लास ली, दूसरे दिन ग्रुप 2 की, मैं सच में पागल हो गई थी, सच में। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया, पहले ग्रुप 1 के लिए जाते हैं, जब मेरा ग्रुप 180% हो जाएगा देन आई विल गो फॉर ग्रुप 2। फिर मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस ली, 2-3 महीना ली ग्रुप 1 की क्लासेस, पहले क्लासेस अल्टरनेटिव डेज पे हो गई थी। जैसे अब तो हमने आपके लिए क्या कर दिया है, सारा ही टाइम क्लास है यार, 6 के 6 दिन क्लास होगी आपकी, 6 to 6 days आपकी क्लास है, यू कैन इमेजिन, राइट, तो सिलेबस का स्पीड आराम से होगी और कंटेंट बहुत होगा, समझ रहे हो। तो हमारी क्या अल्टरनेटिव डेजेस पे क्लास होती थी, तो 80% उसका कंप्लीट किया। फिर जब मैं ग्रुप 2 में गई ना, फिर एक ईज पे आई कि हाँ मैं दोनों दे सकती हूँ। अदरवाइज जब मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे जब तक आपको ग्रुप 1 का कुछ नहीं पता ना, तो आप उस ग्रुप 2 से डील ही नहीं कर पाओगे, आप फिर डिप्रेशन में लिटरली, मतलब ऐसा होगा कि यार हिम्मत हारने वाली बात हो जाएगी। तो अभी अगर आपको जून में जाना है तो गो फॉर ग्रुप 1 एंड दिसंबर में ग्रुप 2 देना। बट अगर आपको यह कि मैम दिसंबर में दोनों ग्रुप देने, तो ग्रुप 1 एक बार फिनिश कर लो 31 मार्च तक, फिर 3-4 महीने में ग्रुप 2 कर लेना, एंड उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा मेरे बच्चे, किसका, रिवीजन का। सो यू हैव टू मेक योर शेड्यूल लाइक दिस, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, आप देखो बच्चे इन्वायरमेंटल लॉज, इसमें इन्वायरमेंटल लॉज में क्या रहता है कि हम सोचते हैं कि हम खुद से लिख सकते हैं, राइट, पढ़ेंगे लिख सकते हैं, डोरमेंट कंपनी, ये देखो ये सारी कंपनी की आ रही है, ये स्ट्राइक ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम, रिस्टोरेशन ऑफ नेम, ये हमारा कंपनीज एक्ट का पार्ट था, राइट, ये किसका पार्ट था, कंपनीज एक्ट का, बट अब ये किस में डाल दिए उन्होंने, SBEC में। तो अगर मैं कहूँ, मैं आपको कहूँ कि SBEC इज ऑल्सो अ कंपनीज लॉ, SBEC इज अ कंपनी लॉ प्लस एडिशनल भी है कुछ, कंपनी लॉ तो है ही है और एडिशनल भी है ना, कंपनी लॉ तो हमारा है ही है
और हमारा क्या है इसमें, जैसे कि लेबर लॉज वो चीज़ अलग अलग रही है और इन्वायरमेंटल लॉज अलग अलग रही है, फैक्ट्रीज एक्ट से चीज़ें अलग आ रही हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम अलग पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं मेरे बच्चे इसमें। अगला है हमारा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, जिसे हमारा मतलब आईबीसी, देखो आ गया ना आईबीसी कोड, ये देखो कोड आ गया। तो होप कि आपको कोड और एक्ट में जो है डिफरेंस, आपने लास्ट वीडियो देखी और आपको क्लियर हुआ हो। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, लिटरली बहुत ही बेहतरीन है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। ये जो आपका लेसन है 21 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लिक्विडेशन वाइंडिंग अप, देयर इज अ लॉट टू लर्न, मार्क माई वर्ड्स, अ लॉट टू लर्न, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, विड्रॉल, मतलब ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से तो मैं आज को ज़्यादा नहीं बता सकती आपको। बट हाँ, अब देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बिकॉज आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो आई डोंट वॉन्ट राइट कि आप जो है एक ही दिन में हो जाओ कि यार नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। इधर देखो, अब क्या होगा मेरे बच्चे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक स्ट्रक्चर जो बिजनेस को गवर्न करता है। एंड जब हम एक बिजनेस बनाते हैं मेरे बच्चे, राइट, जब हम एक बिजनेस बनाते हैं तो नॉर्मली हमें रहता है कि एटलीस्ट कुछ तो हो जो मेरे बिजनेस को बैक करे, कुछ तो हो जो मेरे बिजनेस को बैक करे, जो मेरी फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट है जो उसे पूरा करे, राइट, जो मेरी फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करे। तो वो कौन करता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही करता है। अगर हमने कंपनी ऑप्ट की है तो ऑब्वियसली हम लोगों से पैसा रेज कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, हम लोगों से पैसा रेस कर पाएंगे अगर हमने कंपनी के लिए ऑप्ट किया है तो। अगर हमने वही सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऑप्ट किया तो कौन पैसा देगा। पर कंपनी में क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में तू कौन, मैं कौन, मेरी फर्म है, मैं पैसा लगा रहा हूं, तेरा क्या है, समझ रहे हो मेरे बच्चे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर चीज होती है, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे बिजनेस आगे बढ़ता है। सॉरी तो मेरे बच्चे, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जाता है ना, तो देखा जाता है कि हमारी फंडिंग की नीड्स कितनी है, राइट, हमें अब कंट्रोल किसके पास रखना है। अब सपोज करो मुझे है कि यार मुझे ना अपना कंट्रोल नहीं देना, कुछ भी हो जाए मैं अपना कंट्रोल किसी को नहीं दूंगी, तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी। मैं पैसे तो मेरे को करोड़ों में चाहिए चाहे, पर जब मैं अपना कंट्रोल ही नहीं देना चाहती किसी को, तो कहां से कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्ट करूंगी मैं। अब यार कि कंट्रोल मतलब ना ऐसा हो जाए कि जैसे अपनी फैमिली के साथ ही थोड़ा सा, फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ा सा मिलके बिजनेस कर लिया, ऐसा हो जाए, पार्टनरशिप टॉप कर सकती हूँ। बहुत सारे बिजनेसेस हैं आजकल जो पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, दे आर हाईली लाइक रिमार्केबल, बहुत ही अच्छा उन्होंने है ना एक लेवल अचीव किया है, न्यूमरस बिजनेस, लिटरली न्यूमरस बिजनेस जिन्होंने वो लेवल जो है वो अचीव किया है। और उसके बाद रिस्क, अगर मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहती, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाज ओके, रिस्क अगर लेना चाहती हूँ तो देखा जाएगा कि कौन सी चीज जो है, राइट, वो मेरे काम में आ सकती है। फंडिंग की बात कर ली, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, जितना भगवान ने जितना दिया है उससे संतुष्ट है, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो होता ही नहीं, और पैसे आहा लालच आहा लप लप बेसिकली इफ आई कैन से, तो उसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर मुझे पैसा बहुत चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा नहीं देता, बट कंपनी में मैं पैसा बोरो कर सकती हूँ लोगों से, पैसे के बदले कंट्रोल देना पड़ेगा, राइट, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे मैं बिजनेस किस लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ। अगर मेरे को बिजनेस बहुत ही बड़ा, मेरा विजन बहुत ही बड़ा है, तो मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप से, अब देखो जैसे एक लिज्जत पापड़ था ना केस स्टडी, लिज्जत पापड़ की डिस्कस करेंगे, उसमें क्या हुआ था, 7 फीमेल्स ने सोच मतलब 7 औरतें मिली, छत पे उन्होंने वो काम शुरू किया, और उसके बाद अब देखो द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उस केस के बारे में भी स्टडी करेंगे, लिज्जत पापड़ कितना ग्रो हुआ। मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप ऐसा भी, ऐसा नहीं हो सकता कि जो शुरू से ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट कर ली वही ऑप्ट कर रहे हो, कोई दूसरी ऑप्ट कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या इस टाइम पे जब मैं मिडल में हूँ, तो मुझे कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करनी है, और अगर मुझे वो ऑप्ट करनी है तो उसके से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, वो सब चीज़ें मेरे बच्चे हमारी किस में आती हैं, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। होप मेरे बच्चे, सिर्फ होप है, राइट, वेट अ सेकेंड, ठीक है मेरे बच्चे, कि आपको एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझ आया हो, इसीलिए मेरे ये क्लास सिर्फ इसके स्ट्रक्चर समझाने में लगाई, सो दैट हम कोई भी मिसकंसेप्शन में ना रहें इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, राइट। होप किसका स्ट्रक्चर जो है आपको एकदम क्लियर हो,
थम्स अप दे देना है ना नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे देना। और बच्चे एक एक क्लास आपकी डेमो और आएगी सो दैट कि आपको और क्लैरिटी मिल जाए सब्जेक्ट्स के बारे में। एंड फेस टू फेस तो आपका वेलकम है ही राइट, आप फेस टू फेस आएंगे तब आपको, तभी भी आपको स्टार्टिंग से चीज़ें करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं माना जाएगा है ना कि देकर आया तो छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं बस अपना अपना काम खत्म, डेमो दे दिया अपना काम खत्म, नहीं तभी भी आपको वो चीज़ें मेरे बच्चे स्टार्टिंग से करवाई जाएंगी राइट। सो बस यही है कि अपना अच्छे से डिसाइड करो, एम बनाओ और आ जाओ 7 दिसंबर को फेस टू फेस में राइट। वी आर वेटिंग फॉर यू गाइज, इतना सब कुछ है सीखने को, इतना सब कुछ है करने को, इतनी मेमोरीज है बनाने को, इतनी नॉलेज है देने को, देख के हैरान हो जाओगे यार, मजा आ जाएगा, एक अलग ही दुनिया। बस माइंडसेट से है, उसी माइंडसेट से आना सीखने के, क्लास में जाने के माइंडसेट से नहीं आना यार। एक बड़ी बहन के पास जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, बियर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं भाई, अपने नोट्स बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा। नेटवर्थ यहाँ से ना, जो घर में इज्जत नहीं रहती ना हमारी, ऐसे हम इधर उधर पड़े रहते हैं घर में, ताने बढ़ते रहते हैं, दिखना सीज बनने के बाद क्या इज्जत हो जाएगी राइट। ऐसा घर वालों के लिए कभी ऐसा होगा नहीं, हम चाहे ना प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं फिर भी पढ़ने हमें ताने ही है, पढ़ने हमें फ्लाइंग चप्पल ही है, फ्लाइंग चप्पल ही। और अगर हमें सपोज बाहर भी जाना ना दूध लेने भी, तभी घर से परमिशन लेके जाना, मम्मी जाएं पापा जाएं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ बस, तो ये सब चीज़ें तो फीस है लाइफ का अच्छी लगती हैं। ओके, होप मेरे बच्चे कि आपको लेक्चर्स जो हैं एकदम क्लियर हों, बाकी विल मीट टुमारो विद अनदर लेक्चर्स एंड गेट रेडी फॉर फेस टू फेस लक्ष्मी नगर।